ठीक है जी, मोहित शर्मा कैसे हैं आप सब लोग? बेटर ओके। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे नए लेक्चर में। गाइस हम लोगों ने जो है लास्ट क्लास के अंदर आईएमएफ का, वर्ल्ड बैंक का हम लोगों ने टॉपिक कंप्लीट किया था। चैप्टर नंबर 5 हम लोगों ने शुरू किया था, जिसके अंदर जो है हम लोग बेसिक जो बातें, इंटरनेशनल लिक्विडिटी हम पढ़ चुके हैं, आईएमएफ का टॉपिक हम पढ़ चुके हैं, और वर्ल्ड बैंक का टॉपिक भी है लास्ट क्लास के अंदर हमने कंप्लीट कर लिया। अब जो है बारी आती है एक छोटा सा टॉपिक की, तो एकदम हलवा सा टॉपिक है अपना अंकटाट, UNCTAD, तो उसके बारे में आज अपने को पढ़ना है। तो उसके बारे में पढ़ाने के लिए एक बार पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक सी एक बात आइएगा हम करते हैं। देखिए क्या था, मैंने आपको अगर ध्यान हो क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे दो होती हैं, आपको शायद मैंने एक बार पहले बताया था, एक है कौन सा फंडिंग, एक है कौन सी फंडिंग, और एक है आपका कौन सा नॉन फंडिंग। देयर आर टू टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वन इज अ फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन और एक कौन सा नॉन फंडिंग। अगर मैं बात करूंगा फंडिंग का, तो फंडिंग में आपने पढ़ी है दो, एक पढ़ा आपने IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और एक पढ़ा हमने कौन सा IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। तो जब हम बात करते हैं किसका, फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन का, तो फंडिंग के अंदर हम लोगों ने दो पढ़ी, एक पढ़ी हमने कौन सी IMF और एक पढ़ा हमने कौन सा IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। और वही अगर मैं बात करूंगा किसका, नॉन फंडिंग का, तो नॉन फंडिंग के अंदर दो हम अपने को पढ़ के जानी है, एक पढ़ के जानी है WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और एक अपने को पढ़ के जाना अंकटाड, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो ये अपने को पढ़ के जाना है। तो अभी बात करने वाले हम किसका, नॉन फंडिंग, मतलब एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो फंडिंग नहीं करता, जो बेसिकली क्या करता है, आपको हेल्प करता है क्या करने में, ट्रेड को फ्री फ्लो करने में। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया या ट्रेड हो गया, ठीक है, या कॉपरेशन हो गया, तो इनको मेंटेन करने में ये ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली क्या करती है, काम करती है। तो इसके अंदर दो है, एक है आपका WTO और एक है कौन सा आपका अंकटाड। अब अंकटाड क्यों आया, तो पहले उसका मैं आपको बताता हूँ, एक बार के लिए ध्यान से सुनिएगा। देखो हम लोगों ने 1947 में, ध्यान से सुनना, 1947 के अंदर एक बॉडी को एस्टेब्लिश किया, उस बॉडी का नाम रखा हमने GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। ये बॉडी ने अपना काम करना शुरू किया कब, 1948 से, उसके बाद में ये GATT ने अपना काम करना शुरू कर दिया। फिर 1948 से लेकर के 1994 तक इसने जो है वो काम करती गई, और फिर 1 जैन 1995 को हमने GATT को जो है, किसको, GATT को हमने कर दिया क्या, डिसॉल्व, क्या कर दिया, डिसॉल्व, और इसकी जगह पे एक नया बॉडी हमने एस्टेब्लिश किया जिसका नाम हमने क्या रख दिया, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो हुआ क्या, 1947 के अंदर हमने एक बॉडी बनाया, बॉडी का नाम क्या था, GATT था, ठीक है। 1948 के अंदर ये बॉडी ने काम करना शुरू कर दिया, फिर 1994 में जो है 1948 से 1994 तक इस बॉडी ने काम करना शुरू किया, और फिर 1 जैन 1995 को हम लोगों ने जो GATT है उसको क्या कर दिया, डिसॉल्व, और उसकी जगह पे एक नया बॉडी को सेटअप कर दिया, उसका नाम हमने क्या रख दिया, WTO। ये जो WTO बनाया, इसका मेन पर्पस ये था कि ये कुछ पॉलिसीज बनाएगा, क्या बनाएगा, पॉलिसी, किसके रिगार्डिंग बनाएगा सर, इंटरनेशनल ट्रेड को, किसको, इंटरनेशनल ट्रेड को फ्री फ्लो करने के लिए। हमने क्या किया, WTO जो है वो क्या बनाएगा जी, पॉलिसी बनाएगा, किसके रिगार्डिंग बनाएगा, इंटरनेशनल ट्रेड के रिगार्डिंग, और क्या करने के लिए, इंटरनेशनल ट्रेड को क्या करने के लिए, फ्री फ्लो करने के लिए वो क्या बनाएगा, पॉलिसी। और इंटरनेशनल ट्रेड को फ्री फ्लो करने के लिए का मतलब ये है कि ये कुछ ऐसे प्रोसेस बनाएगा जिससे हम ट्रेड के ऊपर लगने वाले जो बैरियर्स हैं, याद है कुछ बैरियर आपको, सर बैरियर आपने बताए थे दो तरह के होते हैं, चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था, एक था अपना कौन सा टैरिफ बैरियर, कौन सा टैरिफ, और एक पढ़ा था हमने कौन सा नॉन टैरिफ, कौन सा, एक टैरिफ और एक नॉन टैरिफ। तो ये दोनों के दोनों बैरियर्स जो है इनको क्या करेगा, रिमूव करने का काम करेगा, क्या करेगा, रिमूव करने का काम करेगा। तो एक बात देखिएगा, 1947 के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने एक बॉडी बनाया, बॉडी का नाम क्या रहेगा, GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। 1948 के अंदर हम लोगों ने जो है ये GATT को, GATT नंबर काम करना शुरू किया, 48 से लेकर के और 1994 तक ये अपना काम करता गया, और फिर 1 जैन 1995 को हम लोगों ने जो है वो GATT को डिसॉल्व कर दिया, और इसकी जगह पे एक नया बॉडी को सेटअप किया गया, डेड बॉडी उन्होंने सा WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये WTO को हमने बनाया, इसके पीछे बनाने के पीछे का मेन मोटिव ये था कि ये क्या करेगा जी, पॉलिसी बनाएगा, किसके रिगार्डिंग पॉलिसी बनाएगा, इंटरनेशनल ट्रेड के रिगार्डिंग। क्या करेगा, इंटरनेशनल ट्रेड को रोकेगा या बढ़ाने का काम करेगा, सर क्या क्या बात कर रहे हो, इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ाने का काम करेगा। तो ये इंटरनेशनल ट्रेड को फ्री फ्लो करने का काम करेगा। फ्री फ्लो का मतलब ये होता है कि कंट्री जब आपस में ट्रेड करती है, तो ट्रेड करते हुए वो एक दूसरे के ऊपर लगाती है बैरियर, क्या लगाती है, बैरियर, और ये उन बैरियर्स को क्या करेगा, बैरियर को रिमूव करने का काम करेगा। बैरियर को क्या करेगा, बोलो, बैरियर्स को रिमूव करने का काम करेगा। और बैरियर होता है दो तरीके के, एक होता है कौन सा आपका टैरिफ, और एक है कौन सा आपका नॉन टैरिफ। तो ये टैरिफ और नॉन टैरिफ दोनों बैरियर को क्या करेगा, रिमूव करने का काम करेगा। लेकिन इसकी एक कमी थी सर, क्या कमी थी इसके अंदर, कमी इसके अंदर ये थी कि WTO के अंदर मेंबर तो दोनों ही थे, मतलब जो डेवलप्ड नेशन थे,
ये भी मेंबर थे, और जो अंडर डेवलपिंग थे ये भी इसके मेंबर थे, मतलब डब्ल्यूटीओ के अंदर दोनों मेंबर थे, डेवलप्ड नेशन भी इसके मेंबर थे और अंडर डेवलपिंग वाले। लेकिन यहां पे चलती थी इनकी डेवलप्ड वालों की, अंडर डेवलपिंग वालों की बेचारों की पूछ ही नहीं थी, तो इनको कोई पूछता ही नहीं था, इनकी इतनी वैल्यू नहीं थी। तो मतलब ये जब डब्ल्यूटीओ आपने बनाया तो उस टाइम पे चलती किसकी थी सर? चलती थी किसकी? डेवलप्ड वालों की। अंडर डेवलप्ड वालों की नहीं चलती थी, जो अंडर डेवलपिंग में आ रहे थे उनकी बिल्कुल चली नहीं रही है। और जब इनकी नहीं चलेगी तो ये बड़े परेशान हो गए, ये बोले यार हमारी चलती तो है नहीं। मतलब ये है डेवलप वाले ही पॉलिसी जो बनाते हैं अपने हिसाब से बनाते हैं, हमारा तो कुछ हो नहीं रहा है। तो इन लोगों ने मिलकर के डब्ल्यूटीओ के जैसा ही एक बॉडी एस्टेब्लिश किया जिसका नाम उन्होंने रखा अंकटाट। क्या नाम रखा? अंकटाट। तो अंकटाट क्यों बनाया? जो भी अंडर डेवलपिंग नेशन थे, जो भी छोटे छोटे जो नेशन थे, तो उन नेशंस की जो है डब्ल्यूटीओ पोर्टल पे या वर्ल्ड डब्ल्यूटीओ बोल दो या आईएमएफ में भी उनकी नहीं चलती थी, वर्ल्ड बैंक में भी उनकी नहीं चलती थी। तो उन लोगों के लिए अच्छी अच्छी पॉलिसी फ्रेम करने के लिए, उन लोगों को बढ़िया मैकेनिज्म प्रोवाइड करवाने के लिए हम लोगों ने एक बॉडी को सेटअप किया, डेड बॉडी इज नोन एज अंकटाट। बात समझ में आ रही है क्या? तो डब्ल्यूटीओ जैसा ही एक बॉडी बनाया गया, डब्ल्यूटीओ की तर्ज पे ही एक बॉडी बनाया गया। डब्ल्यूटीओ भी स्विट्जरलैंड में, ये भी स्विट्जरलैंड में बनाया गया, बस यहां पे क्या है, यहां पे चलेगी ज्यादा किसकी? अंकटाट के अंदर चलेगी ज्यादा किसकी? अंडर डेवलप्ड नेशंस की। आ रही बात समझ में? जी सर। तो ये पहली बात तो हमने क्यों बनाया, तो वो रीजन मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा आपको कि हमने अंकटाट क्यों बनाया। तो अंकटाट को बनाने के पीछे का जो मेन मोटिव था वो क्या था कि डब्ल्यूटीओ में बड़े बड़े जो भी गवर्नमेंट, जो भी इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हैं, जैसे आपका डब्ल्यूटीओ हो गया, जैसे आपका आईएमएफ हो गया, जैसे आपका आईबीआरडी हो गया, ये सारी ऑर्गेनाइजेशन, या इसको हम वर्ल्ड बैंक बोलते हैं ना, तो ये सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है इनके अंदर बेसिकली चलती है किसकी? जो डेवलप्ड कंट्री है। जो कौन है? डेवलप्ड कंट्री। अंडर डेवलपिंग वालों की बेचारों की चलती नहीं है, तो अंडर डेवलपिंग कंट्रीज जो है तो उनके वेलफेयर के लिए, उनको सहायता करने प्राप्त प्रदान करने के लिए, उनको असिस्ट करने के लिए हम लोगों ने एक बॉडी को सेटअप किया, डेड बॉडीज नोन एज अंकटाट। तो बॉडी को हमने क्या बोल दिया? अंकटाट। ओके जी सर। तो अंकटाट के बारे में सर क्या क्या पढ़ के जाएंगे? क्वेश्चन आ सकता है इसके फुल फॉर्म का, एक तो कि अंकटाट का फुल फॉर्म बताओ, साथ में आ सकता है ये कब आया, इंसेप्शन इसका, और फिर क्यों आया, वाई अंकटाट एस्टेब्लिश, ठीक है। और एक इसके अंदर आएगा जीएसपी, जो मेरे को आज पढ़ाना है आपको, सबसे इंपॉर्टेंट वो है क्या, जीएसपी, जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस। तो आइएगा हम लोग शुरू करते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। आइए देखें जी, अंकटाट सबसे पहले एब्रीवेशन के, अंकटाट फुल फॉर्म क्या इसका, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। उसके बाद फॉर्मेशन कब बनाया, 1964 में, हेडक्वार्टर का जेनेवा स्विट्जरलैंड में, और हेड इसके ये है मुकिसा की तोयू। फिर वेबसाइट ये बता रखा अपने ज्यादा काम का नहीं है। अब आगे क्वेश्चन क्या है, अंकटाट वॉज एस्टेब्लिश कब बनाया, 1964 में। क्या है जी ये परमानेंट, कैसा है, परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। तो अंकटाट आपने बनाया 1964 में, और अंकटाट जो है वो क्या है, एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। अंकटाट जो पार्ट है किसका, 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 इज इट पार्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरीएट। ये पार्ट है किसका, यूनाइटेड नेशन, जो यूएन है ना, जो यूएन है, यूनाइटेड नेशन, उसका ये पार्ट है, जो डील करता है विद द ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट इशू। द ऑर्गेनाइजेशन गोल, इनका इस ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन गोल था वो क्या था, ध्यान से पढ़ेंगे, गोल इज मैक्सिमाइज करना ट्रेड को, ट्रेड को बढ़ाना, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना, एंड डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना। कहां पे, कहां पे, कहां पे, कहां पे सर, डेवलपिंग कंट्रीज में। तो जो भी आपकी डेवलपिंग कंट्री है, उन डेवलपिंग कंट्री के अंदर हम बेसिकली क्या करने वाले, हम ट्रेड को बढ़ाने की बात करेंगे, हम इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने की बात करेंगे, हम डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करने की बात करेंगे। लेकिन वो कहां पे करने वाले, डेवलपिंग इकोनॉमीज के अंदर, क्योंकि डेवलप्ड के लिए तो पहले से परमानेंट हमने बॉडी बना रखी, डेड बॉडीज उन्होंने सर डब्ल्यूटीओ। बट अंडर डेवलपिंग नेशंस के लिए हम क्या करें, जो गरीब नेशन है बेचारे उनके लिए क्या करें, तो उनके लिए हम लोगों ने एक बॉडी को सेटअप किया, डेड बॉडीज उन्होंने सर अंकटाट, एंड असिस्ट करेगा, और साथ में क्या करेगा, असिस्ट करेगा, सहायता प्रोवाइड करेगा देम इन देयर एफर्ट्स टू इंटीग्रेट into the world economy on an equitable basis, ताकि जो छोटी कंट्री है वो भी वर्ल्ड के साथ में कंधे से कंधा मिला के चल सके, तो उसके लिए इंटीग्रेट करेगा। अंकटाट को एस्टेब्लिश किया बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इन 1964 में, एंड इट रिपोर्ट्स टू द यूएन जनरल असेंबली एंड द यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड द सोशल काउंसिल। प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव था, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द अंकटाट इज टू फॉर्मुलेट, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था अंकटाट का क्या करना, फॉर्मुलेट करना किसको, पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करना किसको,
पॉलिसी को विच आर रिलेटिंग टू ऑल द एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट इंक्लूडिंग द ट्रेड एड ट्रांसपोर्ट फिनांस एंड टेक्नोलॉजी। आगे द कॉन्फ्रेंस, ये जो कॉन्फ्रेंस है इसका ऑर्डरली मीट वंस इन फोर ईयर, चार साल में एक बार इनकी, फोर ईयर में एक बार जो है इनकी क्या होती है, मीटिंग होती है। द परमानेंट सेक्रेटरी कहाँ पे इसका, जेनेवा, मतलब हेडक्वार्टर जो है एच के वो कहाँ पे इसका, जेनेवा में। तो पहली बात, इतना सब काम जब हमने बोल बच्चन पढ़े तो इससे क्या निकल के आया सर, इससे निकल के ये है कि हमारा जो ये बॉडी हमने बनाया है एस्टेब्लिश किया अंकटाड़, ये क्यों बनाया, किसके लिए है, ये है छोटे नेशंस के लिए, जो डेवलपिंग नेशंस है जो अभी डेवलपमेंट कर रहे हैं, डेवलपमेंट के फेज के अंदर है, तो उन लोगों के लिए हम लोगों ने एक बॉडी बनाया। बॉडी का नाम हमने क्या रखा, अंकटाड़। कब बनाया, 1964 में। आगे सबसे इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द प्रिंसिपल अचीवमेंट ऑफ द अंकटाड, सबसे मेन जो अचीवमेंट है किसका, अंकटाड का, 1964 हैज बीन टू कंसीव एंड इंप्लीमेंट, कि इसने इंप्लीमेंट किया किसको, जीएसपी को, जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस को। सबसे मेन अचीवमेंट इसकी जो है वो ये है कि इसने जीएसपी को क्या किया, लेके आया। इट वॉज आर्गो इन द अंकटाड डेट टू प्रमोट द एक्सपोर्ट, बोला ये आर्गूमेंट किया गया कि टू प्रमोट करने के लिए, क्या करने के लिए, प्रमोट करने के लिए किसको, एक्सपोर्ट को, किसका, मैन्युफैक्चर गुड्स का, कहां से, डेवलपिंग कंट्री से। इट वुड बी नेसेसरी, ये नेसेसरी था क्या करना, टू ऑफर स्पेशल टैरिफ कंसेशन टू सच एक्सपोर्ट। एक्सेप्टिंग दिस आर्गुमेंट द डेवलप्ड कंट्री फॉर्मुलेट द जीएसपी स्कीम, तो डेवलप्ड कंट्री ने जो है वो क्या बनाई, जीएसपी स्कीम बनाई। अब ये जीएसपी स्कीम बोलते क्या है, तो उसके बारे में एक मिनट रुको, मैं आपको चर्चा करके बताता हूं, ध्यान से सुनना। ये देखिएगा, हम लोगों ने ऐसा बोला, एक डेवलप्ड कंट्री का एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मान लीजिए एक डेवलप्ड कंट्री एग्जाम्पल लेके चला यूएसए, ये है जी क्या मेरा यूएसए, ठीक है। एक अंडर डेवलपिंग कंट्री की बात करता हूं, तो ये मान लीजिए बांग्लादेश, और एक और डेवलप्ड कंट्री का एग्जांपल लेके चलता हूं, मान लो जापान, ठीक है। अंडर डेवलप हो गया बांग्लादेश, और एक और अंडर डेवलप के अंदर मान लीजिए भूटान, ठीक है। जब जापान से कोई भी सामान जाता है कहां पे, यूएस को, जापान से जब भी कोई सामान जाएगा यूएस को, तो यूएस के लिए वो क्या हो गया, इंपोर्ट, क्या हो गया, इंपोर्ट। और इंपोर्ट के ऊपर यूएस जो है वो क्या लगाएगा यहां पे, क्या, इंपोर्ट ड्यूटी, क्या लगाएगा, इंपोर्ट ड्यूटी। अच्छा ये बताओ, इंपोर्ट ड्यूटी लगने की वजह से क्या इंपोर्ट का प्राइस महंगा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, क्या प्राइस बढ़ जाएगा, जी सर। और अगर प्राइस बढ़ेगा तो सामान ज्यादा बिकेगा कम बिकेगा, नेचुरल बात है सर, अगर बैरियर लगा दोगे तो सामान कम बिकेगा। उसी तरह अगर सामान आएगा बांग्लादेश से भी, यह सामान आ रहा है भूटान से यूएस को, मान लीजिए सामान जा रहा है, तो क्या यूएस के लिए वो इंपोर्ट है, जी सर इंपोर्ट है। और क्या यूएस इन दोनों चीजों के ऊपर क्या अपना इंपोर्ट ड्यूटी, क्या यूएस इनके ऊपर अपना इंपोर्ट ड्यूटी लगाएगा, नहीं लगाएगा, लगाएगा सर। और अगर यूएसए इनके ऊपर अपनी इंपोर्ट ड्यूटी लगाएगा, तो आप ये बताइए, तो क्या यूएसए के अंदर क्या बांग्लादेश का सामान आ पाएगा सर, एक तो पहले से अंडर डेवलपिंग हो, एक तो इकोनॉमी पहले से अंडर डेवलपिंग, ऊपर से उनका सामान वैसे बहुत महंगा बनता है, अंडर डेवलपिंग नेशन में तो टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं होती है, तो उनको अच्छी टेक्निक लेने के लिए पहले टेक्निक मंगानी पड़ती है बाहर से, जिसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा आती है। तो बेचारे बांग्लादेश वाले या भूटान वाले, एक तो सामान का रेट वैसे ही बहुत हाई हो गया, ऊपर से जब हमने इंपोर्ट किया यूएस ने, तो उसने उसके ऊपर क्या लगा दी, इंपोर्ट ड्यूटी। तो यहां पे यूएस वाले बोले, ये अपना बांग्लादेश और भूटान वाले रोने लगे, बहुत तेज तेज रोने लगे, आंखों से भी आंसू निकलने लगे, नाक से भी आंसू निकलने लगे, मतलब जुकाम हो गया रो रो के, कई लड़कियों को हो जाता है, वो रोती है, मान लीजिए खराब आ गया तो आंखों से आंसू आ रहे हैं, नाक से आंसू आ रहे हैं, तो उनको फिर अंकटाड आया, अंकटाड ने आके चुप कराया, बोला भाई क्या दिक्कत है, बताओ दिक्कत क्या है। तो ये बोले सर देखो क्या है कि हम जब यहां से सामान बना के कहां बेचते हैं, डेवलप्ड नेशन में, डेवलप्ड नेशन वाले उसके ऊपर लगाते थे बैन, यह लगाते हैं ड्यूटी, ड्यूटी का रेट बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से हमारा सामान और भी महंगा हो जाता है, तो बिकता ही नहीं है वहाँ पे जाकर के, तो हम तो कुछ कर ही नहीं पाते हैं वर्ल्ड ट्रेड में, हमारी तो कोई बोलबाला है ही नहीं। तो अंकटाड वाले बोले क्या दिक्कत क्या है, तो इन्होंने बोला हम ये चाहते हैं कि आप एक ऐसा सिस्टम बना के दो जिसके अंदर क्या कि अगर कभी भी अंडर डेवलप्ड नेशन से, कहां से, अंडर डेवलप्ड नेशन से अगर कोई भी सामान जाए कहां पे, डेवलप्ड नेशन को, जब कभी भी अंडर डेवलप्ड नेशन से कोई सामान जाएगा कहां को, डेवलप्ड नेशन को, तो डेवलप्ड नेशन वाला उसके ऊपर कोई भी ड्यूटी इम्पोज नहीं करेगा। इसका वाला जब कभी भी कोई भी सामान जो है अंडर डेवलप से जाएगा कहां को, डेवलप हो, तो डेवलप नेशन वाला जो है उसके ऊपर जो नॉर्मल जो ड्यूटी रेट लगा रहा था वो उसके ऊपर इंपोज नहीं करेगा। लेकिन डेवलपिंग से अगर कोई दूसरे डेवलप कंट्री से अगर कोई सामान जाएगा डेवलप को, तो इस पे तो नॉर्मल ड्यूटी लगेगी। इसका मतलब क्या हो गया,
अगर हम बात करते हैं जीएसपी का, जीएसपी का मतलब फुल फॉर्म जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस, तो इसके अंदर इस सिस्टम ने जो है वो क्या दिया, प्रेफरेंस दिया। किसको प्रेफरेंस दिया? अंडर डेवलपिंग कंट्री को। और उसने क्या बोला, बोला जब कभी भी मान लीजिए अगर अंडर डेवलप कंट्री से कोई भी सामान जो है वो बन के जाएगा कहां को, डेवलप्ड नेशन में, अगर अंडर डेवलपिंग कंट्री से कोई सामान बन के जा रहा है डेवलप्ड नेशन को, तो डेवलप्ड नेशन वाला जो है उसके ऊपर जो है वो ड्यूटी नहीं लगाएगा, उसको क्या देगा, कंसेशन देगा। लेकिन अगर वही सामान जो है वो आएगा किसी डेवलप्ड नेशन में, किसी दूसरे डेवलप्ड नेशन से, डेवलप्ड कंट्री से, तो उसके ऊपर तो भाई नॉर्मल ड्यूटी चार्ज करेंगे। लेकिन अगर वो आ रहा है सामान कहां से, अंडर डेवलप से, तो उसके ऊपर ड्यूटी इंपोज नहीं करेंगे। आरिया बात में इसको बोलते हैं जीएसपी, जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस। आइएगा हम रीडिंग करेंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा। तो क्या बोलता है जीएसपी, आइए देखें। ये जी हमारा जीएसपी बोलते हैं, असेप्टिंग दिस आर्गुमेंट द डेवलप्ड कंट्री फॉर्मेट द जीएसपी स्कीम अंडर विच मैन्युफैक्चरर, इसके अंदर क्या होगा, मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्ट करेगा और इंपोर्ट करेगा सम एग्रीकल्चर गुड्स फ्रॉम द कहां से, डेवलपिंग कंट्री से, एंटर ड्यूटी फ्री। कैसा आएगा, ड्यूटी फ्री आएगा जी, या फिर बिल्कुल रिड्यूस रेट पर आएगा इन द कहां पे, डेवलप्ड कंट्री, सिंस इंपोर्ट ऑफ सच आइटम फ्रॉम अदर डेवलप्ड कंट्री। अब ध्यान से बोला, अगर इन्हीं आइटम का अगर इंपोर्ट की बात करेंगे अदर डेवलप्ड कंट्री से, वो कैसा होगा, सब्जेक्ट टू द नॉर्मल रेट ऑफ ड्यूटी। मतलब अगर यही सामान अदर डेवलप्ड कंट्रीज आएगा तो वो कैसा होगा आपका, जिससे जैसे नॉर्मल ड्यूटी का रेट लगता है वैसे ही आएगा। आगे फिर इंपोर्ट ऑफ सम आइटम, सेम आइटम फ्रॉम द अदर डेवलपिंग कंट्री वुड एंजॉय कॉम्पिटेटिव एडवांटेज द क्रिएशन। अब ध्यान से सुनना क्या बोलते हैं, ये देखो एक बार बोलते हैं, द क्रिएशन ऑफ द अंकटाड इन 1964 वाज बेस्ड ऑन द कंसर्न ऑफ द डेवलपिंग कंट्री। जो आपने ये क्रिएट किया अंकटाड को, तो किसके लिए किया सर, इसको हमने किया था किसके लिए, फॉर डेवलपिंग कंट्री ओवर द इंटरनेशनल मार्केट मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन एंड द ग्रेट डिस्पैरिटी बिटवीन द डेवलप्ड नेशन एंड द डेवलपिंग नेशन। द अंकटाड एस्टेब्लिश टू प्रोवाइड, अंकटाड क्या करेगा, एक फोरम देगा, फोरम का मतलब प्लेटफॉर्म, फॉर्म का मतलब क्या होता है प्लेटफॉर्म, ये बेसिकली आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा जहां पे जाकर के वेयर द डेवलपिंग कंट्री, जहां पे डेवलपिंग कंट्री कुड डिस्कस द प्रॉब्लम रिलेटिंग टू देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जहां पे डेवलपिंग कंट्री वाले जो है अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट की प्रॉब्लम को जो है वो क्या कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन ग्रू, ऑर्गेनाइजेशन जो है ग्रू हुई है फ्रॉम द व्यू डेट द एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन लाइक गैट, ये इसलिए इस बात को सोचते हुए ये ऑर्गेनाइजेशन बड़ी है कि जो एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन है जैसे गैट, जिसको गैट का नाम हमने चेंज करके क्या कर दिया, WTO, दूसरा IMF, तीसरा वर्ल्ड बैंक। दोबारा बोलता हूँ, ये ऑर्गेनाइजेशन ग्रू हुई है फ्रॉम द व्यू डेट एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन लाइक गैट हो गया, WTO हो गया और IMF हो गया और ये आपका वर्ल्ड बैंक हो गया, वर नॉट प्रॉपरली ऑर्गेनाइज टू हैंडल द पर्टिकुलर प्रॉब्लम ऑफ द डेवलपिंग कंट्री, कि ये जो है वो डेवलपिंग कंट्री की जो है वो प्रॉब्लम को जो है कंसिडर नहीं करते हैं। लेटर इन 1970 एंड 1980 अंकटाड वॉज क्लोजली एसोसिएटेड विद द आइडिया ऑफ ए NIEO, तो फिर हमने अंकटाड बनाया, कैसे, अंकटाड क्लोजली एसोसिएट कर दिया गया विद द आइडिया ऑफ द न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। तो ये बेसिकली हम लोगों ने, अगर कोई पूछे कि अंकटाड क्या, तो आप बोलेंगे यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट। क्यों बनाया आप लोगों ने, तो इसको बनाने के पीछे का जो मेन मोटिव था ना, वो मोटिव ये था कि कुछ भी करके हम लोग जो है वो क्या करने वाले हैं, डेवलपिंग कंट्री को जो है प्रमोट करना है। तो डेवलपिंग कंट्री को प्रमोट करने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए, उसको एड्स प्रोवाइड करने के लिए, सहायता प्रोवाइड करने के लिए हम लोग बोले कि डेवलप वालों के लिए तो अलग से बॉडी बना रखी है, WTO बना हुआ है, वर्ल्ड बैंक बना हुआ है, IMF बना हुआ है, जो बेसिकली वहां पे चलती है डेवलप्ड नेशन की है। जैसे आपने सुना होगा IMF के अंदर, वर्ल्ड बैंक के अंदर USA की वीटो पावर है, कोई भी डिसीजन अगर आपने लेना है तो US से पूछ के होगा, आपने सुना होगा। अगर मान लो, अगर बात करूंगा वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट जो होगा वो हमेशा, जो उसका चीफ होगा वो हमेशा US का सिटीजन होगा। अगर बात करें IMF का जो चीफ होगा वो यूरोप का सिटीजन होगा। अब ये देखो ना, बड़े बड़े नेशन तो ठीक है अपनी जगह पे बढ़िया उनका चल रहा है, लेकिन जो छोटे नेशन है उनका क्या। तो छोटे नेशन के लिए हम लोगों ने जो एक अलग से बॉडी को सेटअप किया, डेट बॉडी इज नोन एज अंकटाड। तो WTO जैसा ही है, ये भी फ्री फ्लो के ऊपर ही काम करता है, लेकिन ये बोलता है कि हम मेजर जो पॉलिसी इश्यूज है हमारे वो है रिलेटेड टू द डेवलपिंग इकोनॉमीज। ओके जी सर। अब ये बोला फर्स्ट जो है उसका मीटिंग कहाँ हुआ, ये ज्यादा हमारे काम का नहीं है, मेन हमारे ये है कितने करंटली अंकटाड है, 195 मेंबर स्टेट्स एंड हेडक्वार्टर कहाँ पे, उसका जेनेवा स्विट्जरलैंड। WTO का जो हेडक्वार्टर है वो भी जेनेवा स्विट्जरलैंड में, अंकटाड का भी वहीं पे ही आपका। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि ये एक्चुअल के अंदर है क्या, ठीक है। एंड इट इज अ मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट ग्रुप, अंकटाड जो मेंबर है किसका, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट ग्रुप का। देर आर नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन पार्टिसिपेट इन द एक्टिविटी ऑफ द अंकटाड।
तो ये है जी हमारा क्या अंकटाड UNCTAD। आई होप समझ में आया होगा, बोलो। तो जैसे जो फंडिंग और कुछ होते हैं हमारे, कौन से आपको मैंने भी बताया, एक होता है फंडिंग और जो पैसा प्रोवाइड करने का काम करेगा, तो एक तो IMF है जो नेगेटिव BOP को पूरा करने के लिए काम करेगा, एक आपका IBRD है जिसका मेन काम झगड़े के कारण जो इकोनॉमी खत्म हो गई है या फिर जो मिडिल इनकम इकोनॉमीज है, मिडिल इनकम इकोनॉमीज, इनको ये पैसा प्रोवाइड करेगा। दूसरा हमने जो बना दिया वो कौन सा आपका नॉन फंडिंग, नॉन फंडिंग में तो WTO है और एक कौन सा अंकटाड है। तो दोनों का मेन पर्पज जो है वो क्या करना है, पॉलिसीज मेकिंग का काम करेगा, पैसा प्रोवाइड नहीं करेंगे, क्या बनाएंगे पॉलिसी। और ये पॉलिसी जो बनाएंगे वो किसके लिए, ये यहां पे चलती है बेसिकली किसकी, डेवलप की, लेकिन यहां बेसिकली चलती है किसकी आपका अंडर डेवलपिंग की। तो अंडर डेवलपिंग कंट्रीज को प्रमोट करने के लिए हम लोगों ने अलग से एक बॉडी को सेटअप किया हुआ है, डेट बॉडी इज नोन एज अ अंकटाड। ओके जी सर, तो ये हो गया जी हमारा अंकटाड। जल्दी जल्दी से आप इसको कीजिएगा, लेक्चर अच्छा लगा है तो अच्छा अच्छा कमेंट भी कीजिएगा इसके ऊपर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारा चैनल भी, ताकि जैसे नया वीडियो है तो उसका आपको जो है नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अगर आप हमारा दिसंबर 2019 के लिए हमारा आप नया बैच लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं, उसके रजिस्ट्रेशन ओपन है, नीचे दिए गए नंबर के ऊपर आप फोन कर लीजिएगा, आपको सारी इंक्वायरी जो है हम प्रोवाइड करवा देंगे। ओके, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए। तो बढ़िया तरीके से बैच चल रहे हैं, हमारे बैच के सारी वीडियोस हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे, प्लस में सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा, प्लस में रिवीजन करने के लिए ऑडियोस भी है एक नॉमिनल फीस के ऊपर, तो अगर आप चाहें तो ये ले सकते हैं। ओके, क्वालिटी मिलेगी, मैं इतना बोलता हूँ, क्वालिटी मैटर करती है। पैसा कोई 5,000 में करवा रहा है, कोई 6 में करा रहा है, कोई कुछ है कोई कुछ है, करवाने दो। देख मेरी तो 11,000 में फीस है, लेकिन मैं ये छोड़ देता हूँ, आप मेरी क्लास लगा लीजिए और बाकियों का लगा लीजिए, कंपैरिजन करके देखिएगा, ऐसा गच क्वालिटी प्रोवाइड करेंगे आपको। जो चीज़ एग्जाम ओरिएंटेड है हम वो चीज़ प्रोवाइड करेंगे, हर चीज़ आपको जो है एक परफेक्ट वे के अंदर समझाया जाएगा। क्वेरी के लिए आप हमको इवनिंग में फ़ोन भी कर सकते हैं, दूसरा आप जो है व्हाट्सएप कर दीजिए, आपकी क्वेरी हम सॉल्व आउट भी कर देंगे। ओके जी सर, चलो ये करें, मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, थैंक यू वेरी मच।